हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे के मीन एल्गोरिथम। के मीन एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो के मीन समझने के पहले ये समझ लेते कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्यों यूज होते हैं और क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है भाई? ग्रुप बनाना। अगर सात बंदों का क्लास है तो उसमें अगर मेरे को चार ग्रुप बनाने तो वो कैसे बनेंगे, यानी मैं चार क्लस्टर कैसे बनाऊंगा। तो उसी तरह इसका रियल एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? अमेजोन की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे कैसे भाई एक पूरे सब सामान एक साथ आते हैं, लेकिन उनमें ग्रुप बनाता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक के सामान एक साइड था तो इलेक्ट्रॉनिक का समझो एक क्लस्टर बन गया। उसी तरह से अब एक क्लस्टर बन गया घर की चीज़ों का, मीन्स होम मेड जो अभी रहते हैं घर की चीज़ें, क्या बर्तन से लेके मिक्सर तक हो गया, तो उसका एक चीज़ यहाँ आएगा। उसी तरह से बुक्स बैग्स सब क्लस्टर ही आएगा। तो ये क्या बन रहे? क्लस्टर्स बन रहे। तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन होता है की मीन्स और ये सब एल्गोरिथम की वजह से। तो दो टाइप के होते हैं भाई ये क्लस्टर्स, एक होता है सेंट्रल जो मैंने बताया वही होता है, दूसरा होता है हायरार्की। सेंटर में क्या, अगर बड़ा सामान है, मैं सारे सामान है तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलग, घर की चीजें अलग, और मीन्स बैग्स विग्स अलग, ट्रांसपोर्ट की चीजें अलग, स्टडीज की चीजें अलग, वो सेंट्रल करेगा। दूसरा है हायरार्की। हायरार्की क्या करेगा बताए? चल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ईडी, तो उसको ट्री में काटेगा कि भाई मोबाइल के अलग, लैपटॉप के अलग, एलपी लैपटॉप है उसके तरह, उसके बाद घर की जो दूसरे सामान होते हैं टीवी एंड टेलीविजन अलग, और उसके बाद एक्सेट्रा अलग। तो अभी मोबाइल में भी ये कैटेगराइज करेगा कि कौन सा फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स और इसी तरह से एक्सेट्रा। माइक्रोमैक्स में भी कैटेगराइज करेगा कौन सी सीरीज है, ए सीरीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सैमसंग में भी करेगा कौन सा है, नोट सीरीज है, एस सीरीज है। तो ये क्या बन रहा है? एक ट्री बन रहा है अगर आप देखा जाओगे तो, समझ रहे हो? तो ये क्या क्लस्टरर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई ये सामान है, मोबाइल के क्लस्टर में क्या, मोबाइल के क्लस्टर में अलग अलग फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, ओप्पो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सैमसंग के क्लस्टर में क्या, नोट सीरीज है, एस सीरीज है, जी सीरीज है, तो अलग अलग। तो ये क्या अंदर ही अंदर क्लस्टर बन रहा है, तो उसको कहते हैं हायरार्की, समझ रहे हो? तो अभी सेंट्रल क्लस्टर कैसे बनाया जाता है उसके लिए यूज़ होता है के मीन एल्गोरिथम, समझ रहे हो क्या? कि अगर बड़ी अगर आपको एक डेटा दिया रहेगा उसके आपको अगर क्लस्टर बनाने तो उसके लिए होता है के मीन एल्गोरिथम। तो चलो देखते हैं के मीन एल्गोरिथम को सम का सॉल्व कैसे करते हैं। सबके पहले ना आपको एक बड़ा सा डेटा सेट दिया रहेगा, मीन्स को समझो 1 2 3 4 5 डॉट 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 वैल्यू। आपको क्या करना है, मीन वैल्यू लेनी है। मीन वैल्यू अक्सर आपको दी रहती है कि भाई ये मीन वैल्यू है, इसके बेस पे क्लस्टर बना, या फिर आपको रैंडम उठानी है, इन दोनों में से कोई भी नंबर उठा लो। आपको बोला गया रहेगा कि k इज इक्वल टू 2, क्या बोला रहेगा, k इज इक्वल टू 2, यानी आपको दो क्लस्टर बनाने, लेकिन कैसे बनाने वो देखते। स्टेप वन क्या है, इसमें से कोई भी दो मीन वैल्यू ले लो। कितने क्लस्टर बनाने, दो, तो कोई भी दो मीन वैल्यू ले लो रैंडमली अगर नहीं दी गई है तो। अब दे दी, ले ली दो नंबर, समझो मैंने कुछ भी ले लिया, दो ले लिया या तीन ले लिया। अब उसके बाद क्या, उसका नियरेस्ट नंबर निकालो कि भाई उसके पास क्या है। और थर्ड स्टेप क्या है, तब तक ये प्रोसेस, थर्ड स्टेप क्या है, अगर मैंने दो वापस क्लस्टर बन गए ना, अब मुझे क्या उनका मीन वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, उसकी वापस मीन निकालनी है, मीन यानी एवरेज। एक बार मैंने एवरेज निकाल दिया, फिर मैं वापस उसके मीन वैल्यू निकाल दी, फिर उसके रिलेटेड तो वापस क्लस्टर देखूंगा। तो अब तो आपके ऊपर से जाता रहेगा, चलो एक सम लेते मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो हमेशा 10 मार्क्स के लिए आया था इस बार एग्जाम में, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो जैसा आप देख सकते हो, ये सम था, ये अपना डेटा सेट है, दो क्लस्टर बनाने, तो आपको के इज इक्वल टू 2 दिया रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको मीन वैल्यू लेनी है। अब आपको कोई वील वैल्यू नहीं दी गई है तो हम खुद अपने हिसाब से मीन वैल्यू लेते हैं। तो मीन को मैं एम से, दो बनाए तो मैं दो मीन वैल्यू लूँगा। एम वन तो मैं क्या लेता हूँ, एम वन चलो 4 ले लेते और एम टू ले लेते 12। अब मुझे क्या करना है, दो क्लस्टर बनाने, के वन और के टू। तो अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले है ना K1 में आएगा क्या, K1 के क्लस्टर में, तो 4 के जो ज़्यादा करीब है ना वो वैल्यू आएगी K1 में, और 12 के जो ज़्यादा करीब वो वैल्यू आएगी K2 में। तो K1 में 4 के ज़्यादा करीब कौन है, पहला दो देखो, दो 4 के ज़्यादा करीब है क्या 12 के, ऑब्वियसली दो 4 के ज़्यादा करीब है। अब 3 4 के ज़्यादा करीब है क्या 12 के, 4 का 4 खुद 4 से ज़्यादा करीब है क्या 12 के, यानी डिफरेंस निकालने का भाई, समझ रहे हो? 4 में से 2 निकालो तो कितना होता है 2 बचता, 12 में से 2 निकालो तो कितना बचता है 10, तो कौन ज़्यादा करीब है ये। उसी तरह से 3 4 में से 3 निकालो कितना बचता है 1, 12 में से 3 निकालो कितना बचता है अपना 9, तो ज़्यादा करीब कौन है ये। 4 में से 4 निकालो कितना बचता है 0,
12 में से 4 निकालो कितना बचता है 8, तो वैसे डिफरेंस निकालने का, समझ रहे हो? अब 12 10 से ज्यादा करीब है, मीन्स 10 12 से ज्यादा करीब है कि 4 से ज्यादा करीब है, तो ऑब्वियसली वो 12 के ज्यादा करीब है, तो ये क्लस्टर हो गया खत्म, अब यहाँ शुरू होगा। अब 11 12 के ज्यादा करीब है कि 4 के, तो इसके ज्यादा करीब है। अब 12 से जो भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो 4 के तो करीब होगी नहीं, समझ रहे हो क्या? तो सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो कि है 12 20 25 और 30। अब मुझे क्या करना है, मुझे M1 और M2 वापस निकालना है। तो पहले तो हमने रैंडम ले लिया था, अब कैसे निकालेंगे? तो मैं बताता हूँ, M1 क्या होगा, इसका एवरेज 2 3 5 होता है, 5 4 कितना होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो गया 3। M2 क्या होगा, इसका एवरेज, तो अगर हम इसको सबको कैलकुलेट करो तो इसकी टोटल वैल्यू होती है, 108 डिवाइडेड बाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 6, तो M2 क्या आता है मेरा 18, क्या आ गया मेरा M2 18। तो अब तक यहाँ सम खत्म नहीं हुआ भाई, अब मुझे क्या करना है, वापस क्लस्टर बनाना है इन दोनों के मीन के वैल्यू पे। क्या करना है मुझे, वापस क्लस्टर बनाना है इन दोनों के मीन के वैल्यू पे, तो मैं वापस K1 लिख लूँ। तो चलो यार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पेजेस अपने पास बहुत थे, तो अभी मेरा नया M1 क्या है 3, M2 कितना है 18। डेटा सेट इसको मत देखो यार, सीधा इसी को देख लो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। K1 क्या है, अब अज्यूम करो 2 3 के ज़्यादा करीब है कि 18 के, इसके अभी 3 3 के ज़्यादा करीब है कि 18 के, ऑब्वियसली 4 भी 3 के ज़्यादा करीब है। अब 10 3 के ज़्यादा करीब है कि 18 के, तो 10 ना 3 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 10 माइनस 3 करूँगा तो 7 का डिफरेंस आता है, 18 माइनस 10 करूँगा तो 8 का डिफरेंस आता है, तो ये इसके ज़्यादा करीब है। अब यहाँ पे 18 11 के ज़्यादा करीब है, जो 11 है वो 18 के ज़्यादा करीब है, तो भाई 11 इधर आएगा, 12 भी इधर आएगा, 20 20 भी इसके आएगा, 2 का डिफरेंस है भाई, 25 भी यहीं आएगा, 30 भी है। अब क्या करना है, अब इसका वापस मीन निकालना है, क्या करना है इसका वापस मीन निकालना है। तो जब मैं इसका M1 निकालता हूँ तो मुझे आता है 4.75, और इसका मैं निकालता हूँ M2 तो आता है 19.6, क्या वैल्यू आ रही है 19.6। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको लगता रहेगा ये क्या फालतू गिरी यार मैं कब तक करूँगा, नहीं भाई 2 3 बार करोगे ना तो आपको क्लस्टर मिल जाता है, समझ रहे हो? ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बहुत ईजी है, 2 3 बार करोगे तो अभी आगे 2 स्टेप में आपको क्लस्टर मिल जाएगा। और इसमें हैड क्या है भाई, आपको सिर्फ नियरेस्ट वैल्यू तो निकालनी है और 10 मार्क्स आपके हाथ में आ रहे। तो चलो वापस क्लस्टर बनाते K1 K2। अगर आपको ये पॉइंट्स में वैल्यू कॉम्प्लीट क्लियर दिख रही है तो इसको आप काम कर सकते हो, राउंड ऑफ वैल्यू 5 अज्यूम करो ना और इसको 20 अज्यूम करो ना, अपना क्या यार भाई, समझ रहे हो? तो अभी 2 5 के ज़्यादा करीब है कि 20 के, इसके 3 5 के ज़्यादा करीब है कि 20 के, इसके अभी 4 5 के ज़्यादा करीब है कि 20 के, इसके 10 5 के ज़्यादा करीब है कि 20 के। अब देखना 11 5 के ज़्यादा करीब है कि 20 के, 11 माइनस 5 करूँगा 6 ही आता है, लेकिन 20 माइनस 11 करूँगा तो कितना आता है भाई, 20 माइनस 11 करूँगा 9 आता है, तो ये इधर आएगा। उसी तरह से 12 भी 5 के ज़्यादा करीब है 20 से, तो 12 भी यहीं आएगा, तो ये वाला क्लस्टर ख़त्म। अब क्या देखोगे तो 20 20 20 के ज़्यादा करीब है तो 20 आएगा यहाँ। उसी तरह से अब या इसको समझो या इसको समझो, सारी बातें एक ही है, 25 20 के ज़्यादा करीब है रेदर देन 5 तो इसमें आएगा, और ये 30 है ना 20 के ज़्यादा करीब है 5 के नहीं, क्योंकि 30 माइनस 5 करूँगा तो 25 आता है, और 30 माइनस 20 करूँगा तो 10 आता है, तो ये इसके ज़्यादा। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो निकालते मीन। तो अगर आप मीन निकालोगे तो आपको M1 मिलेगा 7, मैंने पहले से निकाल के रखा है, मेरे को जीनियस नहीं हूँ भाई, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। M2 क्या आता है देख लेते, तो मीन निकालना एकदम आसान है भाई, तीनों को ऐड करो और डिवाइड कर लो, 20 प्लस 25 प्लस 30, तो 3 नंबर दे, तो मैंने सबको ऐड किया, अभी 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ गया 25। अब मैं वापस क्लस्टर बनाऊंगा K1 K2, मेरा M1 ही है, तो चलो भाई एक सेकेंड, ये डेटा सेट था, M1 मेरा 7 है, M2 मेरा 25 है, तो चलो देखते, 7 2 के ज़्यादा करीब है, 3 भी 7 के ज़्यादा करीब है, 4 भी 7 के ज़्यादा करीब है, 10 भी 7 के ज़्यादा करीब है। अब 11 11 भी 7 के ज़्यादा करीब है रेदर देन 25, और 12 भी 7 के ज़्यादा करीब है। अब 20 25 से ज़्यादा करीब है इससे, तो यहीं ख़त्म हो गया, 25 भी 25 से ज़्यादा करीब है, 30 भी इससे ज़्यादा करीब है। तो अगर आप देखोगे
तो जो मेरी पहले की वैल्यू थी, पहले का जो मेरा था 2 3 4 10 11 12, 2 3 4 10 11 12, उसी तरह से 20 25 30. तो अगर इसका मैं मीन निकालू या आप भी निकालो, तो एम वन क्या आता है 7 और एम टू इसका भी आएगा 25. 10 वी आर गेटिंग सेम मीन, तो वी हैव टू स्टॉप भाई, यहीं रुक जाओ. तो अभी नया क्लस्टर क्या बना बताता हूँ. तो न्यू क्लस्टर विल बी के 1 2 3 4 10 11 12, के 2 20 25 और 30. दैट्स इट भाई, 10 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे. तो चलो भाई इसको स्टेप वापस मैं एकदम अच्छे से दिखा दूँ. टेक मीन वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या है रैंडम, फिर फाइंड द नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुट इन क्लस्टर. अभी मीन के जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसको लो और क्लस्टर में डालो, क्लस्टर में यानी अपने जो क्लस्टर में, क्लस्टर में डाल दिया. रिपीट 1 एंड 2 अंटिल वी गेट द सेम वैल्यू. एक बार क्लस्टर बन गया फिर वापस मीन वैल्यू निकालनी है, मीन यानी एवरेज निकालना है. ठीक है, एक बार एवरेज निकल गया तो फिर क्या करना है हमें, फिर से है ना उसको फिर उसकी भी क्लस्टर में डालना है. क्लस्टर में डाल दिया तो वापस मीन वैल्यू निकाल लिए, तब तक करना है अंटिल वी गेट द सेम मीन वैल्यू. सेम मीन वैल्यू अगर रुक गए तो भाई जैसे आपको दो क्लस्टर बन गए. तो इसी तरह से अमेजोन और ये सब की वेबसाइट्स काम करती है, और रियल टाइम में ऐसे केमिन एप्लीकेशन होता है. तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. हाँ, अगर इसका बहुत अच्छे से नोट्स मैंने बनाए हैं, अगर क्या अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं. ये एल्गोरिथम है ये भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, लिखा है, इसके दो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं. तो जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाले तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. अब ये तो हो गया सिर्फ क्लस्टरिंग का सेंट्रल पार्ट, हायरार्की जिसको एग्लोमेरेटिव कहते हैं, डेंड्रोम, वो भी वीडियो आने वाले. तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए. अभी एग्जाम्स आ रहे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई लास्ट मोमेंट ट्यूशन से ये वीडियो आ चुका है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे.